हेलो फ्रेंड, आज हम आपको एक फैंसी टॉप बनाना बताएंगे जिसके लिए हमने ये कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम कपड़े को 4 लेयर में रखेंगे। जितना हम अपनी लेंथ और चौड़ाई रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसे 4 लेयर में रख लेंगे। देखिए, जिससे कि इसकी लेंथ हमारी तैयार है 20 इंच, तो 1 इंच और हम एक्स्ट्रा लेंगे इसमें, जो हम सिलाई के लिए लेंगे। तो इसे 21 इंच लेंगे यहाँ से। ये इसकी लेंथ है। देखिए, जितनी से की लेंथ रखनी है उसे हम कट कर लेंगे और उसके बाद इसकी जो ब्रेथ नापेंगे वो यहाँ से। ये देखिए, हमारा अभी 2 लेयर में, इसे ऐसे 4 लेयर में रखेंगे। यहाँ से देखिए, जैसे कि हमारी ब्रेथ है 7, यानी कि 28 इंच है, 28, तो उसका 4th भाग निकालेंगे तो 7 आएगा, 7। तो इसमें हम 2 इंच कपड़ा और लेंगे लूजिंग के लिए, तो ये हमने यहाँ से 9 ली है। इसे यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से अपने गले का नाप लेंगे। गले की ब्रॉडनेस रखेंगे वो देखिए 2.5 इंच रखेंगे, और जो अपना तीरा रखेंगे वो हम 6.5 इंच रखेंगे, 6.5 इंच। और यहाँ से जो अपने आर्म होल लेंगे, ये हम करीब 12 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। अगर आप बड़ा टॉप बनाना चाहती हैं तो इसके आर्म होल 7 इंच लें, ये हम 6.5 इंच लेंगे। और यहाँ से इसमें जैसे हम कर्व देते हैं आर्म होल में, फ्रंट में 1 इंच का और बैक में 1.5 इंच का, इसी तरीके से इसमें कर्व दे लेंगे। यहाँ से इसे हल्का सा हम फिटिंग करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम 5 इंच पर, 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें ज़्यादा फिटिंग नहीं होती है, टॉप है इसलिए इसमें हल्की हल्की फिटिंग देंगे। और ये हम पूरा नीचे तक बंद रखेंगे, यहाँ से इस तरीके से इसे ले लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे इसी तरीके से। पहले ये हम बाहर वाले साइड से करेंगे आर्म होल की, फ्रंट पीस से हम बाद में करेंगे, ये बैक वाले की करेंगे। और बैक वाले पीस को हम अलग हटा देंगे। यहाँ से देखिए, हमने गला ऊपर से लिया है अपना 2.5 इंच। जो इसकी गहराई रखेंगे वो लेंगे हम 2.25 इंच, और इसे इस तरीके से मिला देंगे। और इसके फ्रंट वाले जो आर्म होल हैं उन्हें और 1/2 इंच की गहराई दे लेंगे। देखिए, इसे हम बीचा बीच से भी अलग कर लेंगे। ये इसका बीच सेंटर है, फ्रंट पीस को हमें अलग अलग कर लेना है। इस तरीके से, और बैक वाले में हम 1/2 इंच का गला बनाएंगे। इसे बिल्कुल एक साथ रखते हैं। देखिए, ऊपर से तो हम इसे 2.5 इंच लेंगे,
जितना हमने बैक लिया है वो फ्रंट लिया है उतना ही बैक को, और इसमें इस तरीके से हल्का सा इसमें हम कॉलर लगाएंगे, इस वजह से थोड़ा सा गला कट करेंगे। उसके बाद इसकी बाजू कट करेंगे। ये देखिए बाजू, जैसे हमने आर्म होल 6.5 इंच रखे हैं तो ये हम 8 इंच रखेंगे यहाँ से, इससे 1.5 इंच फालतू लेने हैं। और जो हम अपने बाजू की लेंथ रखेंगे वो हम तैयार रखेंगे 3 इंच, तो 1/2 इंच इसमें सिलाई के लिए और ले लेंगे। ये हम हाफ बाजू, छोटी छोटी बाजू लगानी है इस टॉप के, आप बड़ी लगाना चाहते हैं जितने आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसे यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए जैसे हमारी बाजू 1.5 इंच एक्स्ट्रा होती है, इसमें हम प्लेटें डालेंगे तो इसमें हम कपड़ा और लेंगे। देखिए यहाँ तक, वैसे हम नॉर्मली बाजू अगर ऊपर प्लेटें नहीं डालते हैं तो वो 8 इंच लेते, लेकिन इसमें हमने 2 इंच कपड़ा और लिया है तो इसे 10 इंच कपड़ा लेंगे पूरा। इसमें जो हम बाजू बनाएंगे इसके लिए इसे इस तरीके से ही कट करेंगे, और इसमें हम ऊपर बीच बीच में छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। यहाँ पर एक कट लगा देंगे इस सेंटर में दोनों बाजुओं में। इसमें हमें गहराई नहीं देनी है, जैसे हम नॉर्मली बाजू में 1/2 इंच की गहराई देते हैं, लेकिन इसमें हमें गहराई नहीं देनी है, ये हमें बराबर की बाजू रखनी है दोनों। और जो हमारा फ्रंट पीस है उसके लिए हमने आगे के लिए 2 पट्टियां कट की हैं, जो इसमें हमें फोल्ड करनी है अंदर की तरफ। ये करीब हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है, और उसके बाद में हमें इसमें जो डिजाइन देना है उसके लिए यहाँ से कपड़ा लेंगे, और कपड़े को जितना बड़ा आप फ्लावर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कट करेंगे। ये देखिए हम इतना बड़ा कपड़ा कट करेंगे, इसे आप जैसा डिजाइन देना चाहते हैं उस हिसाब से रखें। इसको हमने दो दो पट्टियां बना के दिखा रहे हैं हम, इसमें से पहले हमें इस तरीके से फोल्ड करनी है और फिर इस तरीके से, ये बिल्कुल बराबर है, और इसको हमें इस तरीके से गोल कर लेना है कपड़े को। वैसे फ्लावर की वीडियो हमने पहले भी बता रखी है, आप हमारे चैनल पर वो वाली वीडियो देख सकते हो। इस तरीके से ये हमने गोल बना लेने हैं। ये हम करीब 10-12 पीस कट कर लेंगे इसी तरीके से। अब सबसे पहले देखिए, जो हमने ये फ्लावर बनाने के लिए पत्ती कट की है, हम फ्लावर बना करके तैयार रखेंगे। तो इस तरीके से हमें ये 2 लेयर में रख के और फिर इस तरीके से इसे रखना है, और यहाँ से सुई को इस तरीके से निकालना है बिल्कुल किनोरी के पास। ये देखिए इस तरीके से हम इसका फ्लावर बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से हम कई सारे फ्लावर्स बना के तैयार करने हैं। देखिए इस तरीके से ये फ्लावर बनाने हैं, और हमें बटन बनाने हैं। ये हमने कॉटन लिया है और ये हमने मेरिल स्टोन लिया है। इसे इस तरीके से हमें इसके लिए बटन भी बना के तैयार करने हैं इसी कलर में से। इस तरीके से पकड़ के और इसे हमें अच्छे से सुई धागे से सेट कर लेना है। यहीं पर एक नोट्स लगा लेंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसके लिए बटन
फ्लावर्स बना के तैयार कर लेंगे, फिर इसके बाद इसे हम सिलना बताएंगे। चलिए देखिए, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं बनाना और इसे सिलना बताते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना, ये हमारी गले की साइड है, फ्रंट वाला पीस है, एक मार्क करेंगे, ये हम 2 इंच के नीचे करेंगे इसे। और ऊपर से तो हमने ये 2 इंच लिया है, उसके बाद हम इसे 3.5 इंच पर लेंगे और फिर इसे उसके नीचे हम 3.5 इंच पर, यहाँ पर भी हमें ये जो हमने इसके लिए बटन तैयार किए हैं 3.5-3 इंच पर हमें मार्क करना है। देखिए, ये हमने 5 मार्क कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम अपने बटन लगाएंगे और हमने ये स्ट्रिप बनाई है इस डोरी से, तो हमने ये डोरी बनाना पहले वीडियो में बता रखा है, तो हम इसके लिए स्ट्रिप बना के और इस पर हमें स्ट्रिप सेट करनी है। अभी देखिए, जो हमने स्ट्रिप कट की है उस स्ट्रिप को हमें इस तरीके से यहाँ पर रखना है और ये जो हमने कपड़ा कट किया था उसको यहाँ पर सिलना है इसके साथ। ये जो हमने निशान लगाए हुए हैं इनके ऊपर हमें इन स्ट्रिप को रखते हुए और इस पाइपिंग को सिलना है और दूसरे वाले पीस में ये हम ऐसे ही सिल लेंगे। ये देखिए, इसके बाद में हमें इसे पलट करके इस तरीके से इस पे सिलाई लगानी है, अंदर की तरफ पलट लेना है इस कपड़े को। इसमें हमने पूरे में स्ट्रिप लगा के तैयार कर लिया है और इसके बाद में हमने जो ये दूसरा वाला पीस है इसमें भी हमने ये पट्टी लगा ली और इसे भी ऐसे ही अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अभी देखिए, सबसे पहले ये हमें बैक वाले पीस में जॉइंट करने हैं, इसका तीरा जॉइंट कर लेंगे हम। जैसे हम इस वाले तीरे को जॉइंट कर रहे हैं ऐसे ही दूसरा वाला तीरा जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, इसके बाद इसमें हम बाजू जॉइंट करेंगे अपनी, यहाँ से इसे। और जो हमने ये प्लेटें के लिए कपड़ा रखा है, ये हमने 20 सेंटर रखा, तो ये सिलाई के ऊपर आना चाहिए। आधी प्लेटें हम बैक वाले पीस की तरफ डालेंगे और आधी फ्रंट की तरफ। इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू जॉइंट करनी है, जिस तरीके से हम इस वाली बाजू को जॉइंट कर रहे हैं। देखिए, अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके से
वाली बाजू जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से अपनी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड में अपनी फिटिंग की सिलाई लगा के तैयार करना है। उसके बाद में इसमें हमें कॉलर अटैच करना है, पहले हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। अभी देखिए नीचे से इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये नीचे से हमें इसी तरीके से पूरे को फोल्ड कर लेंगे। पूरे को नीचे से इसी तरीके से बराबर बराबर फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले इसका हम कॉलर बनाएंगे, कॉलर नाप लेंगे यहाँ से। देखिए इसका कॉलर है 14.5 इंच, तो इसमें से हमें बुकरम लेनी है, इसी के बराबर लेंगे। तरीके से फोल्ड करेंगे बुकरम को और इसे इस शेप में कट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से इसका कॉलर बना के तैयार करेंगे। अभी देखिए सबसे पहले हमें इसके ऊपर इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड करना है। ये बुकरम के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। ये हम पूरा बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे इसी तरीके से। भी हम इसे इस तरीके से सीधा फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। अब ये देखिए इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, ये बिल्कुल बराबर में रख के, और नीचे से हमें थोड़ा सा खुला छोड़ना है, करीब 1 पाउंड के बराबर नीचे से हम खुला छोड़ेंगे और तब इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये चीज दोनों हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और जितना हमने इधर थोड़ा सा खुला छोड़ा था उतना ही हम इधर भी खुला छोड़ लेंगे। इसे कॉलर को सीधा कर लेंगे। अब ये देखिए इसके बाद में हमें ये यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से सेट करके और सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम पूरे कॉलर को इसमें अटैच कर लेंगे।
पूरा यहाँ तक सिल के इसे तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए जैसे हमने ये टॉप पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद में ये जो हमारी स्ट्रिप लगी हुई है इनके नीचे हमें निशान लगाना है। यहाँ पर हमें बटन और फ्लॉवर अटैच करना है। अब देखिए सबसे पहले हमने एक सुई में धागा डाला है और उसके बाद में हमें यहाँ पर ये फ्लॉवर अटैच करना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर नीचे से सुई को निकालना है और इसको यहाँ पर अटैच कर लेना है और इसके ऊपर एक यहाँ पर हम बटन अटैच कर लेंगे इस तरीके से। इसको यहाँ पर इस तरीके से और इन पूरे पर हम बटन अटैच करके तैयार कर लेंगे। अब देखिए ये हमने पूरे में लगा के तैयार कर लिया। उसके बाद में इसमें हमें एक मोती अटैच करना है, सुई को नीचे से निकालना है इस तरीके से और ये मोती। इसे नीचे की तरफ लेके और नोट्स लगा देना है। इसी तरीके से हम बाकी में पूरे में मोती अटैच करके तैयार कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से ये हमने पूरा बना के तैयार कर लिया है टॉप को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।